हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस Q&A वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये मेरा 2024 का फर्स्ट Q&A वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों ने टाइटल शायद पढ़ लिया होगा, तो गाइज आज हम लोग बहुत से मैटर में बात करने वाले हैं, बहुत से चीजों में बात करने वाले हैं। आप लोगों को बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है भाई, अलग अलग, और मैंने सभी का क्वेश्चन पिक करने का कोशिश करा है, तो आप लोगों को सारा कुछ मालूम चलेगा। और हम Q&A इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने ऑडियंस के साथ कनेक्टिविटी बना करके रह पाए, क्योंकि आप लोग का बहुत कुछ मन में डाउट होता है। जैसे कि अभी रिसेंटली, मतलब मेरे बारे में कुछ, या फिर मनोज भैया का घर कहाँ है, किस लोकेशन पे है, या फिर मनोज भाई ने आपको अनफॉलो क्यों किया, सारा कुछ आप लोग को आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है मिस्टर RTR ऋतिक की तरफ से। भाई, मनोज भैया का नया घर कहाँ है? तो भाई देखो, मनोज भैया का नया घर है अपने ही एरिया में, धनबाद एरिया में ही, लेकिन प्रॉपर लोकेशन बताना बिल्कुल भी हमारे बस की बात नहीं है, प्लस परमिशन भी नहीं है, समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ऋषभ पटेल भाई की तरफ से। भाभी कब ला रहे हो? भाई ऐसे ही खर्चा इतना हो जा रहा है, यूट्यूब का डॉलर भी मेंटेन नहीं कर पा रहा, भाभी को ला के झमेला कौन पालेगा यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई रॉयल मोदक 01 की तरफ से। अब आप कहाँ रहोगे? तो भाई बोल रहे कहाँ रहेंगे, भाई हम घर ही में रहेंगे, मनोज भैया का घर बना है, उनकी वाइफ हमको रहने नहीं देगी, भगा देगी। नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है, उनका वाइफ भी बहुत अच्छी है स्वभाव से, और मनोज भैया भी बहुत अच्छे हैं, रहने बोलते हैं, हम ही नहीं रहते भाई, भाग जाते हैं वहां से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, नया घर बना है मनोज भैया का, ठीक है, हम जाते आते रहते हैं, आप लोग बीच बीच में हमको भी वहां जाते आते रहते देख पाओगे, लेकिन हम परमानेंट ऐसे फिक्स नहीं करेंगे, मतलब परमानेंट नहीं रहेंगे वहां पर। और परमानेंट हम अपना भी घर शायद से हम छोड़ने वाले हैं और कहीं बाहर में, मतलब रहने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है, आगे का भी तो काम है ना भाई, बताएंगे फिर आप लोग को, अपडेट जरूर देंगे, चाहे कहीं भी आपका कार्तिक भाई रहे, चैनल पे तो वीडियो आता रहेगा डेली 11 बजे। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके GF का क्या नाम है? विशाल गेमिंग 09। अरे भाई साहब, GF BF ये सब करके आप लोग परेशान रहते हो भाई, करियर पे फोकस करो, ठीक है। और ये सब होता है एक टाइम पर, जब हम लोग का उम्र, जो हम लोग का उम्र चल रहा है वो जब तमाचा मारता है ना, तब ये GF VF सब कुछ हम लोग भूल जाते हैं। क्योंकि देखो गाइज, मेरा जो फैमिली है वो थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं हम लोग भी, मनोज भैया का भी आपने स्टोरी देखा था, तो भाई हम लोग का जितना फैमिली है ना, हम लोग का कोई बैकग्राउंड में ऐसा बहुत बड़ा पावर नहीं है कि हाँ सब कुछ हैंडल हो जाए, अपने गार्जियन जो है वो कर ले। भाई ऐसा क्या होता है कि पापा भी जो है वो राजमिस्त्री है, जो घर वर बनाने का काम होता है, तो हम लोग का क्या है ना कि बचपन से जिम्मेदारी का बोझ सर पे ही लेकर के आते हैं हम लोग, इसलिए भाई वो सब करने का हम लोग का मौका नहीं मिलता ज्यादा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉलोवर ऑफ मोत्रो ऐसे टाइप का कुछ है। आपके महीने का इनकम कितना है? भाई देखो, एक चीज बता देता हूँ, इस चैनल पर मैं कुछ दिन से एक्टिव नहीं था, लेकिन अभी देखना आप लोग, मेरा डेली एक वीडियो आ जाएगा, चाहे मैं रात 3 बज जाता है, 4 बज जाता है रात, एकदम भाई मॉर्निंग हो जाता है वीडियो बनाते बनाते, एडिट करते करते, लेकिन फिर भी डेली 11 बजे वीडियो आता है। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं डेली देता रहूंगा, चाहे मैंने बोल ही दिया था पहले एक वीडियो में कि बिना खाना पीना खा के, लेकिन वीडियो जाएगा रेगुलर, ये मेरा वादा रहा, ठीक है। खाऊं पीऊं ना करूं कुछ भी, लेकिन वीडियो आएगा डेली 11 बजे एक वीडियो जरूर आएगा, ये मेरे तरफ से वादा रहा, ठीक है। और हम लोग जल्दी एक चैलेंज लेंगे जिसमें कि 50K सब्सक्राइबर्स करने का कोशिश करेंगे। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइडर आदर्श कुमार की तरफ से। कार्तिक भाई, YouTube में वॉच टाइम जल्दी कैसे पूरा होगा? गेमिंग का है। देखो गाइज, एक चीज बता देता हूँ, अगर मैं अभी गेमिंग चैनल ओपन करूँ तो क्या दुनिया में जो भी लोग हो, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो, लेकिन आप लोग सोच करके देखो कि मैं चैनल ओपन कर लूंगा और कहीं पर भी प्रमोशन नहीं करूंगा, कहीं पर भी कुछ बताऊंगा नहीं, कहीं पर भी एडवर्टाइज नहीं करूंगा, तो क्या आप लोग को मालूम चलेगा कि कार्तिक भाई का कोई चैनल भी है गेमिंग नाम का? तो भाई देखो, लोगों के सामने, लोगों के फेस टू फेस आने में थोड़ा सा देर लगता है चैनल का, तो इसके लिए आप लोगों को कुछ कांड करना पड़ेगा। काम करने से चैनल कभी भी किसी के सामने नहीं आता, ठीक है। कुछ कांड करोगे, कुछ यूनिक करोगे, कुछ बवाल बोलता है ना मार्केट में, ये नहीं कि किसी को मारना पीटना, नहीं, एलविश यादव नहीं बनना भाई आपको, बवाल क्या करना है कि ऐसे काम में बवाल करना है, ठीक है। मतलब काम में कैसा करना है, जैसे कि आप लोग कुछ बड़े बड़े गेमर का फोटो लगा दिया अपने थंबनेल में लोगों को अपने वीडियो में लेने के लिए, वैसे लोग आएंगे भी और सपोर्ट भी करेंगे। एग्जांपल में यार, आप लोग मुझे ही देख सकते हो, मनोज भैया का फोटो लगा के अपने सपोर्ट लेते हैं आप लोगों से, तो बस ऐसा ही टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है SK आजम 786। ब्रो, आपका आगे का प्लान क्या है, करियर शादी, इसके बारे में कुछ बताओ। देखो भाई, पहले तो अपना करियर
उसके बाद अपना जो ड्रीम है पूरा करने का, और मेरा ड्रीम एक ही है, मेरा माँ बाप का ड्रीम को पूरा करने का, यही है मेरा ड्रीम। मेरा मम्मी पापा का जो सपना है वो मैं पूरा कर दूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मेरा ड्रीम पूरा हो गया, ठीक है, यही मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। और मम्मी पापा का ड्रीम देखेंगे यार क्या होगा, पहले तो पैसा कमा ले, ठीक ना, पहले करियर फिर ड्रीम, ठीक है। आपका घर वालों को मैं बता दूंगा, देखिए आपका लौंडा कैसे कैसे क्वेश्चन करता है क्यों नहीं आके, ठीक है। कार्तिक भाई तुम अपना जीएफ का नाम बताओ, हम जानते हैं आप नहीं बताएंगे लेकिन आपको बताना पड़ेगा, बता दें क्या? अब्बा डब्बा चब्बा भाई बता देंगे ना, बवाल हो जाएगा, ठीक है, ब्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिस्टर आदित्य भाई 73, भाई टाइम से वीडियो डाल दिया करो नहीं तो आपको याद दिला दूं आप धनबाद में ही रहते हो। ओ भाई धमकी दे रहा भाई, अरे भाई सॉरी मैं डेली अब टाइम से वीडियो डाल देता हूं, आदित्य भाई माफ कर देना, अगर पहले नहीं डालता था बुरा मुझे भी लगता था, बट क्या करूं यार, लाइफ का प्रेशर, काम का प्रेशर, घर का जिम्मेदारी, सब कुछ देखना पड़ता है अपन लोगों को, ठीक है, इसलिए खैर कोई नहीं, अब रेगुलर जाएगा, वादा किया है मैंने। इट्स अफन अफन 0786, भाई मनोज दे और ज्योति ने तुम्हें अनफॉलो क्यों कर दिया? तो इनका कहना है इस भाई का, मनोज भैया ने और ज्योति भाभी ने मुझे अनफॉलो क्यों कर दिया? तो गाइज आप लोग ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप लोग जा करके मेरा इंस्टाग्राम को चेक करो, या फिर मनोज भाई का इंस्टाग्राम को चेक करो, भाभी का इंस्टाग्राम को चेक करो, तो मुझे अभी उन लोगों ने अनफॉलो कर दिया। तो आखिर क्यों अनफॉलो कर दिया? तो देखो गाइज इसके पीछे कोई भी ऐसा बड़ा रीज़न नहीं है, और अनफॉलो उन्होंने नहीं किया है बल्कि मतलब मैंने ही थोड़ा सा बीच में मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए किया। अब देखो क्या रीज़न है फुल मैं आप लोग को शुरू से बताता हूँ, तब समझ में आएगा। गाइज मेरा एक ब्लॉग चैनल का नाम है जो कार्तिक सेन ब्लॉग्स के नाम से पहले मैं चलाता था, लेकिन गाइज अभी मैंने उस ब्लॉग चैनल को चेंज करके रैप रोस्टिंग कर दिया है, ठीक है, और रैप रोस्टिंग कर दिया, और उसमें एक रोस्ट भी पोस्ट है जो कि मेरा फर्स्ट वीडियो ही वायरल हुआ था, 1500 व्यूज आए थे, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में 1500 व्यूज आना बहुत ज्यादा भाई प्यार सपोर्ट था अपने पब्लिक लोगों का, ये बहुत अच्छा लगा। तो गाइज मैं जब रोस्टिंग कर रहा हूँ तो देखो गाइज एक चीज बता देता हूँ कि चलो मनोज भैया और मेरा भाभी मेरे अपने लोग है, ठीक है, वो मेरे अपने लोग हैं, वो लोग मेरा कभी गलत नहीं सोचेंगे, ये मैं जानता हूँ, लेकिन गाइज उसमें जितने लोगों को मैंने मतलब फॉलो बैक दे करके रखा था 70-80 लोगों को, एक तो गाइज फर्स्ट में सबसे बड़ा चीज कि कुछ लोगों को मतलब फॉलो दे कर रखा था ना, तो उसमें कुछ लोग मतलब गुस्सा हो जाते थे मेरे से, बहुत ज्यादा बोलते थे कि अरे यार बड़े लोगों को फॉलो करता है, ये करता वो करता, अब सब मांगते हैं, सबको देना इम्पॉसिबल है भाई, आप लोग भी समझ सकते हो, तो इसके लिए जीरो कर दिया, तो उसमें एक शांति कि चलो यार कोई नहीं बोलेगा। सेकंड नंबर पर क्या कि गाइज जिसको मैंने फॉलो बैक दे के रखा था, क्या यार किसके मन में क्या चलता है, मान लो मैं रोस्टिंग कर रहा हूं किसी से, कल दिन कुछ लफड़ा हो जाए, अब मान लो मेरे साथ तो वो कांटेक्ट कर नहीं पाएगा, जिसका साथ मेरा कुछ हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन क्या करेगा वो मेरे फॉलोवर्स को टारगेट करेगा, जैसे मैं मेरे रिश्ते में वहां पर कोई भी भैया भाभी दीदी जीजा जीजा जी ये लोग जितने भी लोग हैं वो लोग को टारगेट करेगा, मेरा भाई लोग को टारगेट करेगा, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे वजह से किसी को भी प्रॉब्लम झेलना पड़े, मैं अगर किसी प्रॉब्लम का हकदार हूं तो उसका सजा भी मैं खुद ही झेलने लायक खड़ा हूँ, ठीक है, ऐसा मेरा परिवार तक कुछ भी अटक ना हो, तो इसलिए गाइज मैंने सबको अनफॉलो कर दिया, एंड मनोज भैया के भी फोन से लेके मेरा आईडी को मैंने खुद अनफॉलो किया ताकि उनको भी बुरा ना लगे, और भाभी का भी फोन से ऐसा ही मैंने किया। और गाइज एक चीज बता देता हूँ, मेरे अपने लोगों को मैंने ब्लॉक करके रखा है, क्यों देखो बता देता हूँ, मैं जो रोस्ट करता हूँ ना तो उसमें थोड़ा सा अब शब्द यूज करता हूँ, तो मुझे नहीं सही लगता यार कि अपने फैमिली तक जाए वो वर्ड, और बुरा लगे उन लोग को, मेरा इमेज क्या बने, क्योंकि देखो जब तक हम लोग वायरल नहीं होते हैं ना तब तक हम लोग को बोलने में थोड़ा बुरा लगता है, अभी कैरी मिनाटी को सब इज्जत से पुकारेगा, इज्जत देगा उसको, लेकिन हम लोग को नहीं देगा क्योंकि हम लोग अभी छोटे क्रिएटर है, ठीक है, तो इसलिए गाइस अनफॉलो करना पड़ा, थोड़ा सेपरेट रहना पड़ रहा भाई, अब आप लोग समझ सकते हो मजबूरी यही है। तन्मय गौराए, बराती कब ले जा रहे हो कार्तिक भाई? लो भाई इनको बराती जाना है यार, जिंदगी ऐसे ही मतलब बोल रहे झंड हो पड़ा है, और आपको और मतलब भाई हमको खुश नहीं देखना चाहते हो क्या, मतलब चाहिए कि नहीं कलेश आ जाए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनीत राजपूत 2273, पुनीत भाई हमारे, मनोज भाई का न्यू होम का अनबॉक्सिंग, तो भाई शायद आपने नहीं देखा होगा, आप जाना मेरा एक दो वीडियो का पीछे, उसमें मैंने पूरा हाउस टूर दे करके रखा है, आप लोग भी नहीं देखे हो तो भाई हो सके आई बटन पे दे दूंगा, या फिर आप लोग जा करके देख लेना, दो तीन वीडियो का पीछे ही पूरा हाउस टूर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है और लास्ट क्वेश्चन आता है, आपका ड्रीम हाउस कब बनेगा, आपका ड्रीम हाउस बनाने का मन है या नहीं? तो ये है पीएस डीजे घर व घर वाटर वाटनर, सॉरी भाई बहुत लंबा चौड़ा,
नाम दे करके रखे हैं। क्या क्वेश्चन है आपका, ड्रीम हाउस कब बनेगा, बनाने का मन है कि नहीं? तो देखिए गाइस, एक चीज बता देता हूँ कि कोई अगर गरीब भी पैदा लेता ना इस धरती पर और उसका, और कोई अगर अमीर भी पैदा लेता इस धरती पर और उसका पापा का बहुत संपत्ति है और एक तरफ मान लो कि किसी का कुछ भी नहीं है, लेकिन ड्रीम दोनों का रहता है। यह मत सोचो कि मैंने, मान लो कि मैं गरीब अगर बहुत अमीर घर में पैदा ले चुका हूँ, सपोज दैट, तो ये नहीं कि मेरा ड्रीम नहीं रहेगा कि मैं अपना पापा मेरा घर बनाया उससे भी मैं अच्छा घर बना के दिखाऊं, ठीक है, अपने लोगों को। तो गाइज ऐसा ड्रीम सबका रहता, चाहे वो अमीर घर में रहे या फिर कोई गरीब घर में अगर पैदा लेता ना तो वो भी चाहता कि अभी हम लोग झोपड़ी में रह रहे ना तो भाई अभी बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, जरूर करेंगे, भले ना हो जिंदगी में, वो तो किस्मत का खेल है। तो गाइज देखो, अभी मेरा जो आप लोगों को शायद 2-3 दिन पहले सेटअप दिखाया ही था, आप लोग देख ही सकते थे कि मेरा हुलिया कैसा है अभी घर का, तो एकदम मतलब भाई क्या बोले, लो कैटेगरी का घर है, ठीक है। तो उसको हाई कैटेगरी बनाने का मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है और सबसे फर्स्ट ड्रीम अभी जो मेरा नेक्स्ट है वो यूट्यूब से भाई घर ही बनाना है, ठीक है। घर बनाएंगे पहले, उसके बाद गाड़ी, उसके बाद शादी ब्याह सब होगा भाई। तो चलिए आज के इस वीडियो से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी हमारे बारे में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ, प्लस यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स से भी रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, अपडेट्स वगैरह भी आप लोग को जानने को मिलते हैं हमारे इस चैनल से। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।